हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्कएंजल टैरोट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस्ड तो आप लोग हैं ही। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्कएंजल टैरोट एक चैनल नहीं है, एक फैमिली है। और यहाँ पे हर कोई पर्सन रिगार्डिंग ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कोई कास्ट हो या कोई जेंडर हो या कोई रिलीजन हो या आप किसी भी प्लेस से, कहीं से भी, दुनिया जहाँ से आए हैं, तो आपका हमेशा इस फैमिली में स्वागत है। और जो इस आर्कएंजल टैरोट फैमिली से जुड़ चुके हैं उनको दिल से थैंक्स अ लॉट। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सारी विशेष, सारी दुआएं पूरी करें। और आप जो मकसद अपना लाइफ में लेकर आए हैं उसको पूरा करने में कामयाब रहें। एंड अगर आप आर्कएंजल टैरोट पर नए हैं तो आप इस फैमिली से जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के, ठीक है? सो टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या जिनके साथ भी आपको लगता है कि आपका कोई रिलेशनशिप, मे बी आपका क्रश हो या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, बट हाँ अभी तक कमिट नहीं किया है, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में, आप जिनके बारे में भी सोचना चाहते हो उनके बारे में सोच सकते हो, उनको अपने सामने, अपने पास विजुअलाइज कर सकते हो और उनका नाम भी ले सकते हो मन में, ठीक है? सो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने पार्टनर पर ही फोकस करें या अपने क्रश या जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं उन पर फोकस करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड यार, सीरियसली सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली, ओ किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Seven of Swords, bottom of the deck is Five of Cups. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, चलो मैं पहले साइंस बता देती हूँ। वैसे जरूरी नहीं है आप लोगों के साइंस मैच करें, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे देखने के लिए भेजा है और यहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है? सो साइंस है, मुझे यहाँ पे फायर साइन दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पे एयर साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा पैशन है एक दूसरे के लिए, रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार है। और जब शुरू शुरू में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा था कि शादी तक भी बात हो सकती है एंड यस, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शादी तक बात होगी और यस, वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर और हम लोगों की शादी होगी। बट कुछ टाइम बाद जो अभी प्रेजेंट में था, ऐसा हो गया था कि आप लोगों का, आप है ना, शेयर चीज़ों को शेयर करना बंद कर दिए थे, ठीक है? अब शायद हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन आप लोगों में से किसी ने बंद कर दी थी। बस ये था कि हाँ काम करते थे, रिलेशनशिप में अपना पूरा देते थे 100%, और फिर लाइक कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है हमेशा से, जो मुझे दिख रहा है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर डिसीजंस एंड और आप थोड़े बहुत इंट्यूटिव भी है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, आपको जो दिल बोलता है ना बहुत लाइक आपको बहुत सही बोलता है। एंड मुझे यहाँ पे देखो बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ठीक है? आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्यूचर और लाइक आगे आउटकम जो होने वाला है ना बहुत अच्छा होगा, ठीक है? अब भी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत थोड़ी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये ज़्यादा लंबी भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप की सारी पॉजिटिव चीज़ों को भुला कर अभी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसा हुआ अभी हाल फिलहाल में
जो आप लोगों को लगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, या आपको कुछ आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसा, खैर मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि सही में कुछ छुपाया जा रहा है या कोई बहुत बड़ी बात है जिस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप लोग बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और जो रिलेशनशिप की पॉजिटिव चीज़ें थी, जो अच्छे साइड्स थे ना, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा सैड बना रहे हैं। और दूसरी बात, आप फिर वेट भी कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें सब नॉर्मल हो जाए और वो आपसे आके बात करने लगे। तो आई वुड मुरली से ना कि मैं तो यही बोलूँगी कि चीज़ों अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर दो, क्योंकि ज़िंदगी है ना जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है, ठीक है। और अपने आप को छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं अपने ऊपर, थोड़ा लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच के चला करो, ठीक है, कि लंबे टाइम पे क्या होगा। क्या यार ये जो छोटी सा इंसिडेंट आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे लग रहा है हुआ है, कुछ छुपाया गया है, ठीक है। सो ऐसा है कि आपसे कुछ छुपाया गया हो, लाइक आपका फ़ायदा उठाया गया हो, बट इट्स नॉट दैट मच कि वो ये रिश्ता ही सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए था या सिर्फ आपको झूठ ही बोला जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्यार है, भरपूर प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल जो आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं अभी आर्कएंजल एंजल से आंसर से आप लोगों का निकाल लेती हूँ, एंजल आंसर से, आर्कएंजल के बाद में करेंगे। यस, वाह, जो भी आप लोग सोच रहे हो ना, ऑफ कोर्स यस है, मतलब इट्स अ पॉजिटिव कार्ड गाइस। आप लोगों के बीच में सही में बहुत ज़्यादा प्यार है। छोटी मोटी चीज़ों से ऐसे दिल नहीं दुखाते हैं, और इट्स अ टाइम टू रिकवरी। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, इट मीन्स कि आप दोनों में से कोई रिकवर हो रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। पास्ट में किसी का अगर दिल दुखा हो, यहाँ पे मुझे बहुत सारा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का ही दुखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी सी बात पे ना बहुत अच्छे से रिएक्ट कर दिया है। सो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ आप लोगों की हीलिंग हो रही है, अभी रिकवरी हो रही है। और ऑफ कोर्स यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोगों की शादी होनी है, मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रहा था सबसे पहले यही, आप लोगों को भी पता ही था कि हाँ आपकी इनसे ही शादी होनी है। एंड ऑफ कोर्स यस, कि अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है ना, इट्स अ पॉजिटिव। ऐसे नहीं कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसका आंसर है यस, नहीं। इट्स अबाउट कि हाँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं, जी हाँ। आप दोनों रियूनाइट होंगे, जी हाँ होंगे। और आप लोगों की शादी होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। आप दोनों के फ्यूचर में कुछ लाइक फ्यूचर रिलेशनशिप का कुछ आउटकम है फ्यूचर में, जी हाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। सो इट्स अ टाइम कि आप लोग अपने किसी पास्ट ट्रॉमा से ये कुछ लाइक चीज से रिकवर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो सेपरेशन था ना, ये ज़रूरी था, ये करवाया गया था यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आपके अच्छे से हीलिंग हो सके, अच्छे से रिकवरी हो सके। अगर आप हील नहीं हो रहे हो, मुझे तो लग रहा है आप हो रहे हो नेचुरली, लेकिन अगर नहीं है ऐसा, तो आप प्लीज़ मेडिटेट करें, ठीक है। जितनी जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएगी, उतनी जल्दी आप दोनों का वापस से रियूनियन हो जाएगा, और फिर आप दोनों वापस में बातें करने लग जाएंगे, ठीक है। ग्रीन टर्मोलाइन, आप विश्वास करते हैं कि आपकी लाइफ में, लाइफ के हर एरिया में अनलिमिटेड चीज आएगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, वो लॉयल हैं, ठीक है। वही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ छुपाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया गया है, ऐसा नहीं है। आपके सारे फ्रेंड्स और लाइक कलीग्स जितने भी, सब लॉयल हैं। और ये टाइम है कि आप लोग जानो कि आपकी लाइफ में हर तरीके से, हर फील्ड में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये डिसाइड करो कि आपको कैसे बंदे चाहिए, ठीक है। ऐसे बोलोगे ना कि यार सारे ही मुझे धोखा देते हैं, हमेशा से ऐसे होता है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों का कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा है। बट ऐसे मत बोला करो, ठीक है। एक दो
अगर एक्सपीरियंसेस मिले हैं इट मीन्स कि आ गया पैसा ना करो ना, तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि मुझे सारे ऐसे मिलते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, ऐसे बोलोगे कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब लॉयल हैं, ठीक है, जो भी मेरी लाइफ में आ रहे हैं सब लॉयल हैं, सब ट्रस्टवर्दी हैं। अगर ऐसे बोलोगे ना तो आप उन ही लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये अफर्मेशन है, मैं बता देती हूँ, आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है, मेरी जो बॉडी है वो नेचुरली रीजनरेट होती है और नेचुरली हील होती है, मेरे एक्शंस हार्ट सेंटर्ड है, मतलब मैं दिल से सोचता हूँ, मेरी लाइफ में मैं प्यार अलाउ करता हूँ, ठीक है, जो भी पुराने एक्सपीरियंस है उनको भुला के अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ मेरी आइडियाज अपनी लाइफ में, और आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव लक वेल्थ एंड सक्सेस, प्यार किस्मत पैसा और सफलता, मैं हमेशा ये चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ अपनी लाइफ में। सो ये थी अफर्मेशन, मैं कास्ट ये रिटर्न मैसेजेस निकाल देती हूँ और चल लाइटन योर सेल्फ, अपने आप को है ना ज़्यादा परेशान डिप्रेस मत करो, ठीक है, बहुत हल्का फील कराओ यार, ऐसे क्यों फालतू में चीज़ों में ज़्यादा लाइक सोचने लग जाते हो, गिव योर 100%, दैट्स ओनली नीडेड फ्रॉम यू, अपना 100% दो, ठीक है, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आगे जब रिजल्ट हो क्या सोचना, ये तो गीता में भी लिखा है ना, तू कर्म करे जा, जो भी फल है उसकी चिंता मत कर, तो अपना 100% दो, रिजल्ट जो भी है देखेंगे, बिगनिंग डिसाइड्स द एंडिंग, अगर अपनी शुरुआत अच्छी रखते हो तो आप ऑफकोर्स आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, बी हम्बल विद अदर्स, औरों के साथ प्लीज हम्बल रहें, प्यार से ट्रीट करें, ठीक है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल गाइज, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं होता कि देश आज़ाद है और आप इंडिपेंडेंट हो, ऑफकोर्स आप अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजन ना लो, ठीक है, आप मेंटली भी और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो ऑफ कोर्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आज की रीडिंग सिर्फ इतनी, नेक्स्ट रीडिंग कल आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।